नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं साल 2019 में जो नई शिक्षा नीति बनी है, लागू हो रही है, उसके विषय में आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2022 तक पैरा टीचर शिक्षा मित्र स्कूलों में नहीं रहेंगे। पहले डेमो में कक्षा 5 से लेकर 7वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होगा। हर 22 शिक्षक को 5 स्टेज पास करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के आते ही सबसे पहले शिक्षा नीति में फेरबदल किया गया है। अब हर टीचर्स को 5 स्टेज पास करना होगा। पहले TAT के तहत 12वीं लेवल के पेपर बनेंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सबसे पहले TET का एग्जाम होगा। TET के अंदर इतने दिनों तक जब भी TET हुआ है उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, पहली बार TET के अंदर माइनस मार्किंग होगी और एग्जाम पास करने वाला ही शिक्षक बनेगा। इसके बाद NTA के द्वारा फिर से एग्जाम होगी, जो आप 3 साल तक अस्थायी होंगे। 3 साल आप संतुष्टि पद स्कूलों में पढ़ाने के बाद आपको NTA के द्वारा एक फिर से एग्जाम ली जाएगी। उस एग्जाम को पास करने के बाद ही आप नियमित रूप से शिक्षक बन पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके डेमो क्लास होगी। डेमो क्लास की जो वीडियोग्राफी होगी वो HRD मंत्रालय को उसकी कॉपी भेजी जाएगी। डेमो के अंदर कक्षा 5 से लेकर 7वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होगा। नई शिक्षा नीति के तहत टीचर्स का जो प्रोबेशन काल है वो 3 साल का होगा। 3 साल संतुष्टि पद पूर्ण करने के बाद आपकी फिर NTA के द्वारा एग्जाम ली जाएगी और उस एग्जाम में पास होने के बाद ही आप नियमित शिक्षक बन पाओगे, वरना आपको 3 साल के बाद हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस शिक्षा नीति का पूरे भारत के अंदर विरोध हो रहा है और सुनने में आ रहा है कि टीचर बनना नहीं रहा आसान। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले BEd होगी, BEd के बाद आपकी TET की एग्जाम होगी। TET एग्जाम पास करने के बाद आप कक्षा 5 से लेकर 7वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होगा। उसके अंदर आपको अधिकारी सेलेक्ट करते हैं तो आपको 3 साल तक स्कूलों के अंदर अस्थायी पढ़ाना होगा। उसके बाद 3 साल पूर्ण होने के बाद NTA के द्वारा एक एग्जाम होगी, वो पास करने के बाद ही आप शिक्षक बन पाओगे। 78% ने इसका विरोध किया है और 22% ने इसको अच्छा बताया है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम का दरिया है और पास होकर जाना है। जी हाँ दोस्तों, एक शिक्षक को 5 स्टेज पास करने के बाद ही आप नियमित शिक्षक बन पाओगे। तो दोस्तों, मोदी सरकार के आते ही नई शिक्षा नीति बनाई है और इस शिक्षा नीति का पूरे भारत के अंदर विरोध हो रहा है। हम आपको बता दें कि अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले शिक्षक का सैलरी इंक्रीज ज्यादा होगा। तो दोस्तों, ये तो थी शिक्षा नीति 2019 को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट जो आपके लिए जाना बेहद जरूरी था। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।